गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, असी कुछ प्रोपोजिशन डिस्कस कर रहे थे लिबेग इंटीग्रेशन के बारे। द प्रोपोजिशन दैट वी विल डिस्कस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट एज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हूँ असी जी थर्ड डेफिनेशन डील कर रहे हैं, दैट इज़ अ लिबेग इंटीग्रेशन, एंड वी आर सेइंग दैट अ फंक्शन इज लिबेग इंटीग्रेबल व्हेन इट्स इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ठीक है। सो नाउ एफ इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल। दिस मीन्स इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ एफ इज फाइनाइट। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होवे, देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा एंड अ सबसेट ऑफ ई विद अ वेरी स्मॉल मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा सच दैट इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। देन इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। वैसे रिजल्ट बड़ा ऑबवियस जहा है, जो फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइनाइट रह रही हैगी है तो वो सबसैट के भी असी एक स्मॉल जहा सबसैट लै लिया, जिस करके इंटीग्रेशन कितनी रह रही है लेस देन एप्सिलॉन। यह जे सारे सैट्स नू कोलैबोरेटिवली सारे नू इकट्ठा करके जो इंटीग्रेशन करते हैं ताई करके इंटीग्रेशन फाइनाइट रह जाती है, क्योंकि ई दे जिहड़े सबसैट्स ने उहदे उपर इहदी इंटीग्रेशन कितनी आ रही है दैट इज़ वेरी स्मॉल। जिहड़े ई दे सबसैट्स ने ए टाइप दे, उहनां दे उत्ते इहदी इंटीग्रेशन की आ रही है वेरी स्मॉल। एंड वट टाइप ऑफ अ सबसैट इज़ ए, ए इज़ अ वेरी स्मॉल सैट विद अ मेजर इज विद अ फाइनाइट मेजर विच इज़ लैस दैन डेल्टा। सो साडा फंक्शन एक नॉन नैगेटिव फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। असी फाइंड करना इहदा सबसैट जिसकी मेजर बहुत स्मॉल लैस दैन डेल्टा होवे, ते इस सैट दे उत्ते फंक्शन की इंटीग्रेशन भी बहुत ही स्मॉल लैस दैन एप्सिलॉन निकल के आनी चाहिए है। ओवरऑल फंक्शन की इंटीग्रेशन लैस दैन इनफिनिटी है। सो टेकिंग इन टू कंसीडरेशन ऑल द फैक्ट्स गिवन, वी आर कंसीडरिंग केस वन। पहला केस लै लिया जे असी फंक्शन नू बाउंडड मान के चलीए, तो जे असी फंक्शन नू अनबाउंडड मान के चलीए। If we consider that our function is bounded, then immediately follow the definition of bounded, means there is a positive real number m for which modulus of fx will be less than equal to m for all x. Let epsilon is epsilon asi apne hath ch leke chalna hai, epsilon is let epsilon greater than 0 be given and take delta to be epsilon by m. Apa delta dependent upon epsilon le liya. M be any subset of e with the measure of a is very small. लैट ए बी एनी सबसैट ऑफ ई विद द मेजर ऑफ ए इज़ वेरी स्मॉल। हूँ फंक्शन ई दे उत्ते बाउंडड है, फंक्शन इज़ बाउंडड ऑन ई। जदों फंक्शन ओवरऑल इस पूरे सैट ई दे उत्ते फाइनाइट वैल्यूज अटेन कर रहा है लैस दैन इक्वल टू एम, तो ये ही जो असी एक सबसैट ए लवेंगे वह भी यही सेम प्रॉपर्टी फॉलो होएगी, बिकॉज इतने जिन्हें भी एक्स पे है सारे तो यह प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दिस मीनस मॉडलस ऑफ एफ एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू ई which belongs to A, which is a subset of E. So we can say that F is less than equal to M on A. So असी ऐसे चीज़ पर चलते हैं। देखो हूँ साडा फंक्शन F की है लैस दैन M कि A दे उत्ते, इनू असी किस तरीके नाल व्यू करते हैं, असी इस प्रॉपर्टी यूज़ करन वाले हैं। वैन एवर एफ इज़ लैस दैन इक्वल टू जी ऑन ई, दैन इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ एफ इज़ लैस दैन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ जी। सो टेकिंग इन टू कंसीडरेशन दिस प्रॉपर्टी, तो आप लिखे इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ एफ इज़ लैस दैन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ओवर एम। एम इज़ अ कॉन्सटेंट वैल्यू, कैन बी टेकन आउटसाइड, पिछे की बच जूगा मेजर ऑफ ए। वॉट इज़ मेजर ऑफ ए, असी एपसाइलन बाय एम लई है, तो कि आ गया मेरे को उरे सिर्फ एपसाइलन रह गया। देयर फोर इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ एफ इज लैस दैन एपसाइलन, इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ एफ इज बड़ी ईजीली मेरे को रिजल्ट बन गया वैन अवर फंक्शन इज बाउंडड। नाउ वी विल डिस्कस द अदर वे वैन द फंक्शन इज़ अनबाउंडड। जदों साडा फंक्शन अनबाउंडड है तो फंक्शन दी वैल्यूज़ कह दिए कि इनफिनिटी वल नूं जा रही ने, अनबाउंडड है, तो असी फंक्शन दे लई एक सीकुएंस डिफाइन किया। सीकुएंस बाउंडड सीकुएंस है, सीकुएंस की वैल्यू एफ एक्स होगी जदों एफ एक्स छोटा है, सीकुएंस की वैल्यू एन होएगी जदों एन छोटा है, वैन एन इज़ लैस दैन एफ एक्स। बोथ वे दे विच फंक्शन इस सीकुएंस की वैल्यू की आ रही है, इट इज़ बाउंडड। When this sequence is fx, then fx is a smaller value. When this sequence is n, then n is a smaller value. And when n will tend to infinity, जदों n infinity नू tend करेगा, तो इतने infinity आ जाएगा, fx is less than greater than infinity, fx less than infinity तो है नहीं है, function is not bounded. तो की result रह जाएगा साढ़े को, n infinity नू approach कर गया तो function ने किन्ना बन जाना, fx बन जाना, ठीक है। फंक्शन विल बिकम एफ एक्स, फंक्शन इज अनबाउंडड। आई विल रिपीट की क्या मैं, वैन एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी एफ एन एक्स की बनूंगा, तो असी इतने इनफिनिटी लिख लाँगे, एंड अगर असी इतने इनफिनिटी लिखांगे और आ गया फंक्शन ग्रेटर दैन इनफिनिटी इनफिनिटी ही होंगी है, नथिंग एल्स। इदा ही इतने फंक्शन एफ एक्स लैस दैन इनफिनिटी लिखांगे, एन की जगह पर इनफिनिटी लिखना, दोनों केसिस फंक्शन की वैल्यू कितनी बनती है एफ एक्स के इक्वल। सो दिस सीक्वेंस इज अप्रोचिंग टू एफ एक्स।
सो हुण मेरे को एक इनक्रीजिंग सीक्वेंस है, देखो इनक्रीजिंग सीक्वेंस ही है, जिमें जिमें एन इनफिनिटी नू टेंड करता है फंक्शन, दिस सीक्वेंस इज इनक्रीजिंग सीक्वेंस, एन नू एन प्लस वन लैके चला तो वैल्यू एन प्लस वन वड्डी बनूगी। आ देखो एन प्लस वन तो एन प्लस वन ऑप्शन पिछले एन दे नालों एफ एन प्लस वन दे ऑप्शन एन दे ऑप्शनस नालों वड्डे ने, इहदा आंसर एफ एक्स। इत्थे तां दोनों मैच कर गए फंक्शन दीआं वैल्यूज, बट इत्थे वंश फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन द प्रीवियस वैल्यू आ रही है। एंड जे असी एन प्लस टू लिखांगे तो एज कंपेयर टू एन प्लस वन वो वैल्यू इतने एन प्लस टू आऊगी। सो दिस मीनस वैल्यू जी इनक्रीज़ कर रही है साड़ी। दिस इज़ अ इनक्रीजिंग सीक्वेंस, दोनों आंसर जड़े ने दे आर पॉजिटिव, उरे नैचुरल नंबर है, ये फंक्शन एफ है, एफ इज़ अ नॉन नैगेटिव फंक्शन, बोथ द आंसर आर नॉन नैगेटिव, दे आर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। सीक्वेंस इज बाउंडड ऑल्सो, वाई इट इज़ बाउंडड, क्योंकि ये सीक्वेंस जो एफ एक्स बनता है दैन एफ एक्स इज़ बाउंडड, इट इज़ लैसर दैन एन, एंड जो सीक्वेंस की वैल्यू एन हैगी है दैन एन इज़ लैसर दैन एफ एक्स। इन बोथ ऑप्शन, बोथ द ऑप्शन आर द मिनिमम वैल्यूज, फंक्शन इज इनक्रीजिंग, इट इज़ अ इनक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नैगेटिव एंड बाउंडड मेजरेबल फंक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू एफ। तो इनक्रीजिंग सीक्वेंस से एप्लीकेबल है अपनी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, अप्लाई द रिजल्ट ऑफ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द सीक्वेंस। सो अपने को रिजल्ट बनया दैट इंटीग्रेशन ई ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ई ऑफ एफ एन, जिसनों लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन इज कन्वर्जिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एज एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी। अगर मैं इनू एप्साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन की फॉर्म च लिखा, दिस मीनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज लैस दैन एपसाइलन, एपसाइलन की जगह पर होर स्मॉल क्वेंटिटी लिखनी हो आप लिख दी एपसाइलन बाय टू फॉर ऑल एन विच आर वेरी लार्ज, विच आर लार्जर दैन सम नंबर पी। तो इस वे दे नाल असी लिख लें, ठीक है। सो फर्दर दिस जिहड़ा फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज लैस दैन द मॉड ऑफ इट्स ओन वैल्यू। सो असी एफ एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ नूं कह सकते इट इज़ लैस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन माइनस मॉड ऑफ एफ, एंड दिस इज़ फर्दर लैस दैन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू पी। सो दिस वे वी विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है जी। तो इतने तक का मेरे को रिजल्ट बन गया दैट इंटीग्रेशन ओवर ई एफ एन माइनस इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ एफ इज लैस दैन एप्सिलॉन बाय टू। नाउ वी कंसिडर दिस पार्ट, नाउ कंसिडर इंटीग्रेशन एफ माइनस एफ पी, इंटीग्रेशन नू टर्म वाइज लिखा जा सकता है, एफ माइनस जी दी इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी यूजिंग दिस पार्ट, ए पार्ट ट्रू हैगा फॉर ऑल एन विच आर ग्रेटर दैन इक्वल टू पी, इन पर्टिकुलरली वैन एन विल बी इक्वल टू पी वी विल हैव द सेम रिजल्ट, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एन विच आर ग्रेटर दैन इक्वल टू पी, जदों एन पी दे इक्वल होगा वी विल अगेन हैव द सेम रिजल्ट, सो दिस विल बी लैस दैन एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है जी। नाउ कंसिडर इंटीग्रेशन ए ऑफ एफ, आपने ए दे उत्ते इंटीग्रेशन नू स्मॉलर बनाना, इंटीग्रेशन दे विच असी एफ पी ऐड ते सबट्रैक्ट किया, इंटीग्रेशन नू सैपरेट सैपरेट किया, ए दी इंटीग्रेशन ई दी इंटीग्रेशन तो छोटी होएगी, वाई बिकॉज ए इज़ अ सबसैट ऑफ ई, सबसैट दी इंटीग्रेशन सुपरसैट दी इंटीग्रेशन तो छोटी है, ठीक है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स आर सेम। नाउ इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ एफ माइनस पी, कम टू दिस पार्ट, इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ एफ माइनस एफ पी इट इज़ लैस दैन एफ साइलेंट बाय टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ पी दे उत्ते ऑन एफ पी वट इज़ द वैल्यू फॉर एफ पी, एफ पी इज लैस दैन इक्वल टू पी, एफ पी इज लैस दैन इक्वल टू पी ऑन ई, वाई बिकॉज एफ एन जिहड़ा हैगा इट इज़ टेकिंग द टू ऑप्शन ईदर एफ और एन, डिपेंडिंग अपॉन एफ इज लैस दैन इक्वल टू एन और एन इज लैस दैन एफ। सो जे असी एफ पी की वैल्यू लईए, एफ पी की वैल्यू जी हैगी है दैट विल बी, जदों तक एन इनफिनिटी नहीं जाता इन्हें एफ नहीं ना बनना है, एफ एन कदों एफ बनता है वैन एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, सो एफ पी की वैल्यू जी होगी दैट विल बी लैस दैन इक्वल टू पी, पी तो लैस होएगी क्योंकि एफ पी का आंसर जो भी हैगा वो अगर एफ बनया तो एफ समॉलर सीगा, अगर पी बनया तो पी समॉलर सी, मीनस यदि वैल्यू लैस दैन इक्वल टू पी है इन बोथ द केसिस, अगर यदि वैल्यू एफ बनूगी तो एफ लैस दैन इक्वल टू पी है, देखो जिथे एन सीगा एन की जगह पर मैं पी लैना, और जे अगर यदि वैल्यू पी बनी दैन इट इज़ ईक्वल टू पी, दोनों केसिस लैस दैन इक्वल टू पी तो है ही,
सो दोनों केसेस से लैस दैन इक्वल टू पी है, इस करके एफ पी रिप्लेस से किया गया लैस दैन इक्वल टू पी। पिछे की बचे असी मेजर ऑफ ए, एंड मेजर ऑफ ए असी कितनी सिलेक्ट की है एप्साइलन अपॉन टू पी, तो कैंसल आउट करके मेरे को इस केस भी की रह गया एप्साइलन। दिस मीनस इंटीग्रेशन ओवर ए ऑफ एफ एस लैस दैन एप्साइलन वैदर द फंक्शन इज bounded or unbounded, in both the cases we can find a subset of e where the major the integration of a will be integration of a function over a will be less than epsilon.